नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं वारदात। गीतिका खुदकुशी मामला सुलझने के बजाय उलझता ही जा रहा है और उधर गोपाल गोयल कांडा दिल्ली पुलिस के लिए एक पहेली बना हुआ है, एक ऐसी पहेली जिसे बूझने के लिए दिल्ली पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन उसके हाथ अभी तक कोई खास सफलता नहीं लगी है। दिल्ली पुलिस जल्द से जल्द गीतिका की मौत से जुड़ा हर राज बेपर्दा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांडा उसके लिए अभी भी सिरदर्द बना हुआ है। आखिर क्यों की गीतिका ने खुदकुशी? क्या कांडा ने तोड़ा गीतिका का भरोसा? आखिर किस धोखे ने ली गीतिका की जान? क्या कांडा ने वादा करने के बाद भी नहीं की गीतिका से शादी? किसने कराया गीतिका का अबॉर्शन? और आखिर क्या है कांडा का सच? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके भंवर में गीतिका की खुदकुशी का पूरा सच छिपा है, और यही वो सवाल है जिनका जवाब तलाशने के लिए अब दिल्ली पुलिस कांडा को लेकर हर उस जगह घूम रही है जहां से उसे लगता है कि इस मामले को सुलझाने के लिए उनकी अधूरी तलाश पूरी हो जाएगी। जी हाँ, गीतिका सुसाइड केस में हर रोज कोई न कोई खुलासा हो रहा है। दरअसल गीतिका ने अपने सुसाइड नोट में इशारों में कुछ बातें लिखी है। अपने सुसाइड नोट में गीतिका ने अंकिता नाम की एक और लड़की का नाम भी लिखा है, लेकिन ये अंकिता कौन है और गोपाल कांडा से उसका क्या रिश्ता है, इस पर अभी भी सस्पेंस ही बना हुआ है। इसके साथ ही गीतिका ने गोपाल गोयल कांडा और अरुणा चड्ढा को सीधे सीधे अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। गीतिका ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि गोपाल कांडा और उनका मैनेजमेंट मुझे परेशान कर रहा है। मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान हूँ। मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरा भरोसा तोड़ा गया है। अब सवाल उठता है कि भरोसा तोड़ने का क्या मतलब है? आखिर गोपाल कांडा ने किस तरह से गीतिका का भरोसा तोड़ा? सूत्रों के मुताबिक गोपाल कांडा ने गीतिका से शादी का वादा किया हुआ था, और जब भी गीतिका उससे शादी की बात करती तो वो पहले अपनी दोनों बेटियों की शादी की बात कहकर गीतिका की बात को टाल दिया करता था। इतना ही नहीं, पुलिस तफ्तीश में ये बात भी निकल कर सामने आई है कि गीतिका का अबॉर्शन भी कराया गया था, लेकिन सवाल वही है कि आखिर किसने कराया गीतिका का अबॉर्शन? गोपाल गोयल कांडा और गीतिका शर्मा के रिश्ते को क्या नाम देंगे? जांच एक कदम आगे बढ़ती है तो दोनों के बीच बॉस और पुलिस के रिश्ते को झुठला देती है। जांच टीम से जुड़े पुलिस सूत्रों का यह मानना है कि गीतिका शर्मा, जो कि गोपाल कांडा से कम उम्र में थी, गोपाल कांडा ने उससे शादी का वादा किया था। जांच टीम से जुड़े पुलिस वाले दबी जुबान में ही सही, लेकिन ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गीतिका शर्मा का कई बार गर्भपात हुआ था। लेकिन एक सवाल अभी भी कायम है, 12 दिन की फरारी के बाद क्या मुलजिम से पुलिस उन सबूतों को उगलवा पाएगी जो उसे मुजरिम करार देने में मददगार साबित होंगे? उधर पुलिस की माने तो वो भी इन सवालों के जवाब तलाश रही है, लेकिन उनकी तफ्तीश में कांडा बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहा है, और यही वजह है कि इस मामले में सबूत तलाशने के लिए सोमवार को पुलिस कांडा को गुड़गांव फरीदाबाद रोड पर बने उसके एक फार्म हाउस पर भी लेकर गई। इसके साथ पुलिस अब अरुणा चड्ढा और कांडा को आमने सामने बिठाकर दोनों से पूछताछ करने का मन बना रही है। दिल्ली पुलिस को भरोसा है कि इस पूछताछ में उसके हाथ कांडा के खिलाफ कई ठोस सुराग लग सकते हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस की तफ्तीश गीतिका के सुसाइड नोट और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी है, और वो इसी आधार पर इस केस को सुलझाने की कोशिश भी कर रही है। गीतिका शर्मा ने सुसाइड क्यों किया, अब पुलिस ये जानने के लिए हर एक सबूत को एक दूसरे से जोड़कर देख रही है ताकि स्थिति साफ हो सके। पुलिस सूत्रों की माने तो इसमें सबसे अहम है गीतिका द्वारा लिखा गया सुसाइड नोट और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और साथ में पुलिस का ये भी मानना है कि इस मामले में कुछ गवाहों के बयान भी काफी अहम साबित हो सकते हैं। कैमरामैन सुबोध सक्सेना के साथ चिरागो की दिल्ली आज तक। कांडा पुलिस की तफ्तीश में उसका सहयोग नहीं कर रहा है, इसीलिए थक हार कर अब दिल्ली पुलिस ने कांडा का ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने की सोची है। दिल्ली पुलिस को उम्मीद है कि कांडा का ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने के बाद उसके हाथ इस केस से जुड़े कई अहम सुराग लगेंगे। कांडा का होगा ब्रेन मैपिंग टेस्ट, कांडा नहीं कर रहा।
पुलिस तफ्तीश में सहयोग, कांडा पर कसेगा पुलिस का शिकंजा। क्या कांडा के ब्रेन मैपिंग टेस्ट के बाद सामने आएगा गीतिका की खुदकुशी का राज? दरअसल पुलिस गीतिका सुसाइड केस को जितना सुलझाने की कोशिश कर रही है, ये केस उतना ही उलझता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस तफ्तीश में पूरी मदद की बात करने वाला कांडा अब पुलिस का बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहा है। यही वजह है कि पुलिस ने अब कांडा का ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाने का मन बनाया है। दरअसल पुलिस को उम्मीद है कि कांडा का ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाने के बाद उसके हाथ कई अहम सबूत लगेंगे और गीतिका सुसाइड केस का पूरा सच जल्द ही सबके सामने आ जाएगा। शादी का कुछ इरादा था, कुछ ऐसा था क्या? नहीं, अभी तक कुछ नहीं है, मैं आगे भी बता दूंगा। ब्रेन मैपिंग कराएंगे सब कुछ करेंगे। सर डीएनए टेस्ट के लिए क्या किया? डीएनए टेस्ट के लिए, डीएनए टेस्ट के लिए अभी नहीं है, ब्रेन मैपिंग होगा फिर वो करेंगे सर। दरअसल ब्रेन मैपिंग टेस्ट के दौरान ये देखने की कोशिश की जाती है कि कोई भी आरोपी किसी भी अपराध के बारे में कितनी जानकारी रखता है। इस दौरान फोरेंसिक एक्सपर्ट ये देखते हैं कि आरोपी का मस्तिष्क मौकाए वारदात पर पड़ी चीजों को कैसे पहचानता है, उसका हाव भाव कैसा है। ब्रेन मैपिंग टेस्ट में सबसे पहले आरोपी से पूछताछ की जाती है, फिर फोरेंसिक एक्सपर्ट उसके सर पर कुछ खास जगहों पर सेंसर लगाते हैं। ये सभी सेंसर एक न्यूरो स्कैन मशीन से जुड़े होते हैं। फिर इसके बाद आरोपी को एक कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें या फिर कुछ आवाजें सुनाई जाती हैं और इस दौरान आरोपी के सर पर लगे सेंसर उसके दिमाग में चल रही इलेक्ट्रिकल हलचल और P300 तरंगों को रिकॉर्ड करते जाते हैं। दरअसल इलेक्ट्रिकल हलचल और P300 तरंगे किसी के दिमाग में तभी पैदा होती हैं जब कोई आरोपी उन तस्वीरों और आवाजों को पहचाने, और जब तक सेंसर अपना काम करते हैं तब तक आरोपी से कोई भी सवाल नहीं पूछा जाता। दरअसल इस टेस्ट का असल मकसद किसी भी आरोपी के मस्तिष्क में किसी भी अपराध से जुड़ी स्टोर जानकारी को हासिल करना होता है। इसके बाद आरोपी की EEG यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम और ERP यानी इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल रिपोर्ट की तुलना आरोपी के बयान से की जाती है। अमूमन किसी भी आम इंसान के मस्तिष्क में किसी अपराध के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, लेकिन अगर किसी ने कोई अपराध किया हो तो फिर ब्रेन मैपिंग टेस्ट के जरिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट उसके मस्तिष्क से ये जानकारी निकाल लेते हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस के मुताबिक वो कांडा के कई और फोरेंसिक टेस्ट भी कराएगी जिससे इस केस की तफ्तीश में उसके हाथ कुछ और सबूत लग सके। गीतिका सुसाइड केस में दिल्ली पुलिस के पास अभी कोई अहम सबूत हाथ नहीं लगा है। दूसरी ओर हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा पुलिस को जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि पुलिस उसका ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने के बारे में भी सोच रही है। अब देखना यह है कि पुलिस की ये कवायद कितनी रंग लाती है। कैमरामैन सुबोध सक्सेना के साथ चिराग गुठी, दिल्ली आज तक। पहले गीतिका केस में ढिलाई बरतने वाली दिल्ली पुलिस अब कांडा को लेकर दर दर की खाक छान रही। जी हाँ, दिल्ली पुलिस अब कांडा के हर उस ठिकाने की तलाशी ले रही है जहां उसे लगता है कि इस केस से जुड़ा कोई सबूत मिल सकता है। सुलझ नहीं रही गीतिका की मौत की गुत्थी। उलझ रहा है गीतिका का केस। सुसाइड केस में एक और नया मोड़। गीतिका के किस भरोसे को तोड़ा कांडा ने? अभी तक अनसुलझे हैं गीतिका शर्मा खुदकुशी केस के कई राज। इस मामले में मुख्य आरोपी हरियाणा के विधायक गोपाल गोयल कांडा का दिल्ली पुलिस के कब्जे में आए 50 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई ठोस जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। सोमवार को पुलिस उसे फरीदाबाद गुड़गांव रोड पे बने उसके फार्म हाउस पर लेकर गई। दिल्ली पुलिस कांडा को लेकर हर उस सुराग को ढूंढ रही है जिससे गीतिका की मौत की वजह सामने आ जाए, लेकिन खबर है कि कांडा जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। दिल्ली पुलिस के लिए चुनौती इसलिए भी बड़ी और मुश्किल है
क्योंकि सूत्रों की माने तो अभी तक जांच और पूछताछ में कांडा ने सिर्फ यही बात मानी है कि गीतिका उसकी कंपनी में कर्मचारी थी। इसके अलावा उसने कुछ भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस पूछताछ में कांडा ने इस बात का जवाब भी नहीं दिया कि गीतिका से बात करने के लिए वो किस फोन नंबर का इस्तेमाल करता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसके MDLR दफ्तर में कंप्यूटर के 3 हार्ड डिस्क गायब है और शक है कि इसके पीछे कांडा की ही साजिश है। इससे पहले 19 अगस्त को गोपाल गोयल कांडा के साथ पुलिस पहुंची MDLR के उसके दफ्तर सबूत ढूंढने के लिए। वहां करीब 3.5 घंटे तक छानबीन चली और उसके बाद पुलिस की टीम कांडा को गुड़गांव के उसके फार्म हाउस लेकर गई। लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक कांडा पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है और बड़े ही नपे तुले अंदाज में वही बोल रहा है जो उसके वकीलों ने सिखाया है। लेकिन इस सब के बावजूद गोपाल कांडा ये कह रहा है कि उसकी बेगुनाही जल्द ही दुनिया के सामने आ जाएगी। कुछ नहीं है, सामने आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिल्ली पुलिस को उम्मीद है कि वो गीतिका शर्मा खुदकुशी केस का हर उलझा तार जल्द ही सुलझा लेगी और गीतिका की मौत पर पड़ा हर राग बेपर्दा होने के साथ गीतिका के गुनहगार भी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। गीतिका मामले में लगातार मुंह की खा रहे दिल्ली पुलिस को आज तब एक और झटका लगा जब कोर्ट ने अरुणा चड्ढा को रिमांड पर लेने की उसकी अर्जी खारिज कर दी। पुलिस ने ये कहते हुए अरुणा चड्ढा के रिमांड की मांग की थी कि कांडा की निशानदेही पे बरामद सबूतों के बिना पर कांडा और अरुणा को आमने सामने करना है, जबकि कोर्ट की नजर में पुलिस कांडा से कुछ खास जानकारी हासिल ही नहीं कर पाई है। कैमरा मैन संजीव के साथ अनुज मिश्रा, दिल्ली आज तक। कहते हैं कि कांडा को करीब से जानने वालों ने हमेशा उसे बस एक ही खतरे से आगाह किया था और वो खतरा था लड़कियों के साथ उसकी नजदीकियों का। कांडा हमेशा हमेशा अपनी कंपनियों में लड़कियों को सबसे आगे रखता था। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये तस्वीरें सिरसा के तारा बाबा आश्रम की और तस्वीरों में कैद हैं गीतिका शर्मा और गोपाल कांडा। तस्वीरें किसी सत्संग की है जहां गोपाल कांडा सोफे पर बैठा है, वहीं गीतिका उसके साथ सत्संग में शरीक हुई है। इन तस्वीरों में गीतिका और गोपाल की नजदीकियों का साफ पता चलता है। दरअसल इसे गोपाल कांडा की कमजोरी कहें या शौक, लेकिन सच तो ये है कि गोपाल की दिलचस्पी लड़कियों में कुछ ज्यादा ही थी। अरुणा चड्ढा, नूपुर मेहता, अंकिता और गीतिका शर्मा, ये वो चंद नाम है जिन्हें गोपाल कांडा ने अपनी कंपनी में ऊंचे ओहदों पर बैठाया, कम उम्र में बड़ी सैलरी और पैकेज दिए। स्कूल, यूनिवर्सिटी और करोड़ों का बिजनेस एम्पायर चलाने वाला कांडा लड़कियों पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान था। गोपाल कांडा ने एक दो नहीं बल्कि 48 कंपनियां बना रखी थी। इन कंपनियों में बड़ी तादाद में लड़कियों को ऊंचे ओहदों पर रखा जाता था, जिनमें कंपनी डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी जैसी पोस्ट शामिल थी। गोपाल कांडा की इन 38 कंपनियों में कई में तो खुद गोपाल कांडा निदेशक है। कांडा की कंपनी AKG इंफ्रा बिल्ड में गीतिका शर्मा को उप निदेशक की पोस्ट दी गई थी, जबकि अरुणा चड्ढा कंपनी की डायरेक्टर थी। हैरानी की बात तो ये है कि AKG इंफ्रा बिल्ड को गीतिका ने 3 मार्च 2012 यानी अपनी मौत के कुछ महीने पहले ही ज्वाइन किया था। गोपाल कांडा तकरीबन 38 कंपनियों में डायरेक्टर है और इन सभी 38 कंपनियों में 19 बड़े पदों पर महिलाओं या फिर लड़कियों को नियुक्त किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इन लड़कियों की उम्र और अनुभव इन ओहदों को देखते हुए दोनों ही चीज काफी कम है, लेकिन शायद इसे गोपाल कांडा का महिला सशक्तिकरण ही कहा जा सकता है। कांडा ने इन कंपनियों के अलावा कई ट्रस्ट भी बना रखे हैं, मसलन MDLR इंटरनेशनल स्कूल सिरसा। इस स्कूल में भी गीतिका शर्मा ट्रस्टी के तौर पर रजिस्टर्ड थी। कांडा की कंपनी में अरुणा चड्ढा और गीतिका एक दूसरे से कितनी नफरत करती थी उसका जिक्र तो गीतिका के सुसाइड नोट में है। अरुणा और कांडा अब दोनों ही पुलिस की गिरफ्त में हैं।
और पुलिस गीतिका की खुदकुशी की वजह जानने के साथ ही कांडा के करोड़ों के साम्राज्य का हर सच उगलवाने की कोशिश करेगी। दरअसल दिल्ली पुलिस हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा से चार सवालों के जवाब चाहती है। पहला, कि वो आखिर 12 दिनों तक कहां कहां रहे। दूसरा, क्या वाकई उन्होंने इस दौरान सबूतों से छेड़छाड़ की या नहीं। तीसरा, किन किन लोगों ने उनकी आखिर मदद की। और चौथा, कि गीतिका के सुसाइड केस में उनका कितना रोल है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान, अनुज मिश्र और तंजीम हैदर के साथ नितिन जैन, दिल्ली आज तक। मौत से पहले गीतिका ने अपने हाथों से दो पन्नों में अपनी कहानी लिखी थी, मौत की कहानी। इसमें उसने तमाम बातें लिखी, अपने घर वालों के बारे में, गोपाल कांडा के बारे में और गोपाल कांडा के चरित्र के बारे में। पर सुसाइड नोट में बहुत सी बातें सिर्फ इशारों में। आइए अब आपको वो खत दिखाते हैं जो गीतिका ने अपने मरने से पहले लिखा था। गीतिका ने अपने सुसाइड नोट को दो पन्नों में लिखा है। पहले पन्ने में उसने लिखा है कि मैं आज खुदकुशी कर रही हूँ क्योंकि मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। मेरा भरोसा टूट चुका है, मेरे साथ धोखा हुआ है। मेरी मौत के लिए दो लोग जिम्मेदार हैं, अरुणा चड्ढा और गोपाल गोयल कांडा। दोनों ने मेरा भरोसा तोड़ा है और उन्होंने अपने फायदे के लिए मेरा इस्तेमाल किया है। उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है और अब वो मेरे परिवार वालों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मेरा परिवार बहुत भोला है। अरुणा और गोपाल गोयल झूठे और मक्कार हैं। वो किसी को भी अपने फायदे के लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैंने उन्हें कई बार माफ किया है पर ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। गोपाल गोयल ने पहले भी मुझे और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाया है पर हमने उसे माफ कर दिया। पर उसने हमारे विश्वास और भोलेपन का फायदा उठाया। वो एक झूठा इंसान है। इन दोनों को मेरे और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। मैं मेरी माँ, डैड और भाई से बहुत प्यार करती हूँ। गीतिका यही नहीं रुकी, उसने अपना दर्द अपने सुसाइड नोट के दूसरे पन्ने पर लिखा। गोपाल गोयल एक फ्रॉड है। वो लड़कियों पर हमेशा बुरी नीयत रखता है। वो एक बेशर्म इंसान है। वो हमेशा दूसरों का फायदा उठाता है। उसका एक और महिला अंकिता से नाजायज संबंध है। इसके बावजूद वो लड़कियों को फंसाने की कोशिश करता रहता है। उस जैसा बेशर्म और बुरा आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वो रिश्ते, भगवान और भरोसे की आड़ में लोगों को सताता है और धोखा देता है। वो हमेशा झूठ बोलता है। वो अपने परिवार, बच्चे और अपने इर्द गिर्द सभी लोगों से झूठ बोलता है। इस बार अरुणा मुझे और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने में उसकी मदद कर रही है। वो मेरी शुभचिंतक बनती थी लेकिन उसने अपनी नौकरी बचाने के लिए अपना असली रंग दिखाई दिया। वो किसी स्तर तक झुक सकती है। उन पर विश्वास करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी जिसे अब मुझे अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है। मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकती। इन्हीं की वजह से मुझे मेरी माँ, डैड और भाई से जुदा होना पड़ रहा है। मैं उनसे नफरत करती हूँ। गीतिका ने अपने सुसाइड नोट में जिन दो लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है उससे इस केस की तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है। अब देखना यह है कि कानून गीतिका के गुनहगारों को क्या सजा देता है। तो वारदात में फिलहाल इतना ही।